सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपको पंचदशह पाठ 15वां पाठ अस्माकं प्रकृति हमारी प्रकृति पाठ पढ़ाएंगे। प्रकृति देवी खिन्ना इव दृश्यते। प्रकृति देवी उदास की तरह दिखाई दे रही है। सा एकाकिनी, वह अकेली ध्यानमग्ना अस्ति, ध्यान में मग्न है। पृथ्वी जलम वायु नभ अग्निश्च धरती पानी हवा आकाश और आग पंच तत्वानि, ये पांच तत्व तस्याः समक्षम आगच्छन्ति, उसके सामने आते हैं, यानी प्रकृति माता के सामने आते हैं। प्रकृति ही एकम एकम, प्रकृति एक एक को कुशलादि वृत्तम पृच्छति, कुशलादि की बात पूछती है। प्रकृति सबसे पहले कहती है, देवी धरे, हे देवी धरा, हे धरती, हे देवी पृथ्वी या धरा देवी, कथय कहिए, अपि कुशलिनी त्वम्, क्या तुम कुशल हो, क्या तुम ठीक हो। प्राणिनः मातृ रूपेण, प्राणी मात्रा के रूप में त्वाम पूज्यन्ति, तुमको पूजते हैं। धरा कहती है, माता है, हे माता, कुतः मम कुशलम, कहां से मेरी कुशल, मैं कुशल कहां से। अधुना तू, अब तो मानवः, मानव माम ने पूजयंती, मुझे नहीं पूजते हैं, अपितु दूषयंती, अपितु दूषित करते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर पर स्थाने स्थाने जगह जगह पर व्रणह जाता, घाव हो गए हैं। कृत्रिम उर्वरक और बनावटी खाद के द्वारा मम मृतिका अयम, यह मेरा मिट्टी से युक्त शरीर विषाक्तम अभवत, विषैला हो गया है, जहरीला हो गया है। जनहा, लोग अवशिष्टम भोजन, बचा हुआ खाना, अवकरम और जो मलिन पदार्थ है, कूड़ा करकट है, प्लास्टिक वस्तु नीच है, और प्लास्टिक की वस्तुएं यानी सामान इतस्ततः विकीर्य इधर उधर फैलाकर माम प्रदूषयंती, मुझको प्रदूषित करते हैं। प्रकृति कहती है, जल, हे जल, तुमवत, तुम बोलो, तो कार्यम की दृश्यम चलती, तुम्हारा काम कैसा चल रहता है। संसारस्य जीवनम असि तुम, संसार का जीवन हो तुम। जल कहता है, भगवती, हे भगवती, हे माता, न अहम प्रसन्नम, मैं भी खुश नहीं हूँ। अयम मानव, यह मनुष्य स्वार्थ लाभ आए, स्वार्थ लाभ के लिए माम दूषयति, मुझको दूषित करता है। तड़ागेषु नदीसु सरोवरेषु, तालाबों में, नदियों में और सरोवरों में, सागरेषु च और समुद्र में, अवकरम क्षिप्ति, कंकड़ फेंकता है, कूड़ा करकट फेंकता है। तीन, जिससे अहम, मैं दुर्गंधमयम, दुर्गंध से भरा हुआ, मलिनम च अभवम, और मलिन हो गया हूँ। प्रदूषितस्य मम उपयोगेन, प्रदूषण के मेरे उपयोग से मानवः, अन्य जीवाश्च, मानव और अन्य जीव अनेके रोग ही पीड़िता भवन्ति, अनेक रोगों से पीड़ित हो गए हैं। प्रकृति कहती है, भो वायो, अरे वायो, तो स्थिति कास्ति, तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम तो प्राणिनाम प्राण रूपोऽसि, तुम तो प्राणियों के प्राण रूप हो। वायु कहती है, देवी, हे देवी, दिनानुदिनम, दिन 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 नगरेषु वाहनानाम, शहरों में वाहनों की संख्या अति वृद्धि में आती, बहुत ही बढ़ गई है। तई उद्गीरित धुमा, उनसे निकला हुआ धुआं, उद्योगिक संस्थानेभ्य निर्गतम मलमयम जलम, और उद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ गंदा पानी माम दूषयति, मुझको दूषित करता है। मई मिलीनम प्रदूषणम, और मुझ में विलीन प्रदूषण प्राणिनाम शरीरे, लोगों के शरीर में प्रवेश या प्रवेश करके तान व्याधि ग्रस्तान करोती, उनको बीमारी से युक्त कर रहा है। प्रकृति कहती है, भोनब, अरे आकाश, तुम तो निराकार है, तुम तो निराकार, असीम है, असी और भी असीम हो, तथापि तो भी संसार से रचनायाम, संसार की रचना में महत योगदानम, तो तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। नभ है, आकाश कहता है, भवती सर्वज्ञा अस्ति, आप सब कुछ जानने वाली हैं। मम देहे, मेरे शरीर में प्रतिक्षणम, हर पल, विमाना नाम, विमानों के राकेट, राकेट याना नाम, राकेट आदि उपग्रह नाम च संचरणम, और उपग्रहों के चलने से संचरणम भवती, चलना होता है। तेषां कर्णभेदी कोलाहलेन,
उनके कानों के भेदने वाले शोर से, विषाक्तम धूम्रेण और जहरीले धुएं से, चैमिनी और अहम मैंने मैं महत कष्टम अनुभवामी, बहुत कष्ट अनुभव करता हूँ। तो ये था आधा पाठ, आधा पाठ हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।